सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमी कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस आकांक्षा और आज हम कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज डिवाइस। सो चिल्ड्रन, इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरह हम लोगों को पता है ह्यूमन बॉडी यानी हमारे इंसान में एक दिमाग होता है, जिस पर आप जहाँ पर आप कुछ भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, यानी हमारी याददाश्त होती है जिससे हम रेस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी पिक्चर देखने के बाद हम रेस्पॉन्ड करते हैं और पहचान जाते हैं वो क्या है। उसी तरह से कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसकी भी एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जहाँ पर डेटा स्टोर करके रखा जाता है। और ये चिप के फॉर्म में होता है, छोटी चिप के फॉर्म में। और ये जो चिप्स होती हैं इन्हीं से मिलकर के हार्ड डिस्क बनती है। दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के अंदर फिट होती हैं और इन्हें इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है और इन्हें ये मेन एरिया कहलाती है कंप्यूटर में, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। और इन्हें रिकॉल मतलब जो डेटा होता है उसको इंस्टेंटली ही हाथों हाथ ही रिकॉल किया जाता है, क्योंकि ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप के फॉर्म में स्टोर होती है, रैम एंड रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये क्विक एक्सेस मेमोरी है। ये रीड या राइट मेमोरी भी कहलाती है। जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। इसे टेम्प्ररी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर शटडाउन कर देते हैं तो इसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। और यदि गलती से भी पावर कट हो जाता है कंप्यूटर का तो भी उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसको रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसमें डेटा सिर्फ रीड किया जाता है और इसमें जो डेटा स्टोर रहता है उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसको बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। ये परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि यदि स्विच ऑफ भी कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है या पावर कट हो जाता है तो इसमें स्टोर होकर रहती है मेमोरी। जो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम होता है वो रोम में ही स्टोर होता है। रोम आजकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो है पी रोम, ई पी रोम और डबल पी रोम। पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कई बार हम चाहते हैं कि हम रोम पर डेटा को राइट कर सकें, इस केस में हमें पी रोम चाहिए होता है। ई पी रोम ये एडवांस होती है पी रोम से, इसमें हम डेटा ऐड भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। ये लेकिन ये जो इरेज और डेटा मॉडिफाई होता है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू होता है। डबल ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पी रोम, ये ई पी रोम का भी नेक्स्ट लेवल है। इसमें जो डेटा होता है मेमोरी में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू इरेज कर सकते हैं। इसमें यूवी लाइट के फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था, अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अब आजकल हमारी ज़रूरत बन गई है कि हमें एडिशनल मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ी, ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकें। सेकेंडरी मेमोरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकती है और लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी स्टोर करके रख सकती है। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। कुछ फीचर्स हैं सेकेंडरी मेमोरी के। फर्स्ट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टोर करके मेमोरी को रख सकती है, डेटा का बैकअप भी देती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इसे सिर्फ आप डस्ट कंप्यूटर में कनेक्ट करके और अपने जो डेटा है उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वहाँ तक ही सीमित नहीं होती है। आप कई कंप्यूटर में भी उसे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी एंड फ्लैश ड्राइव।
सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ टेबुलर मैनर. थ्री मेन टाइप ऑफ स्टोरेज होती हैं, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क फर्स्ट है, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंड है, फ्लैश ड्राइव थर्ड है. मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आता है एंड ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम डीवीडी रोम आता है एंड फ्लैश ड्राइव में पेन ड्राइव आता है. अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क. ये मैग्नेटिक डिस्क डिवाइस जो है वो फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क भी ही होती है, जो कि एक मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड होती है, जिसमें आप जो नंबर कितनी भी टाइम तक डेटा को इरेज कर सकते हैं. हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क से जो डिवाइस बनती है वो हार्ड डिस्क कहलाती है. उन्हें प्लेटर्स कहा जाता है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है और एक बॉक्स में कंटेन करके रखते हैं. हर डिस्क पे टॉप एंड बॉटम सरफेस होता है जहाँ पर डेटा रिकॉर्ड होता है, और ये CPU के टावर में परमानेंटली फिक्स हो जाती है. इट इज़ यूज फॉर परमानेंटली मास स्टोरेज. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट्स में, यानी कि जो इंटरनल के बारे में हमने पढ़ा है, इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं. इनकी जो कैपेसिटी होती है एज हाई एज 5 TB यानी फाइव टेराबाइट से भी ज़्यादा तक की हो सकती है. वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क. दिस ड्राइव कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिस्क ऑफ प्लेटर्स, यानी इसमें डिस्क ऑफ प्लेटर्स की सीरीज होती है. हर प्लेटर में दो सरफेस होते हैं और हर सरफेस पर रीड राइट लीड होती है. ये जो डेटा है वो स्टोर होता है जो सरफेस है प्लेटर का, उसके ऊपर सेक्टर्स या ट्रैक्स के रूप में. और जो ट्रैक्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और जो सेक्टर्स हैं वो पाई शेप्ड में होते हैं. जो प्लेटर्स को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करने से जो इंफॉर्मेशन होता है उसको डिस्क ईजीली एक्सेस कर सकती है. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें जो रीड एंड राइट दोनों कर सकती हैं इंफॉर्मेशन को. इसमें दो साइज़ की फ्लॉपी डिस्क होती है, एक 5 1/4 inches और 3.5 inches. लेकिन इसकी कमी ये थी कि इसमें 1.44 MB डेटा तक ही होल्ड करके रख सकती है ये, और इसीलिए इसको बाद में CD के द्वारा या पेन ड्राइव के द्वारा रिप्लेस किया गया. मैग्नेटिक डिस्क के बाद अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में. ऑप्टिकल डिस्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम है. इट कैन बी रिटन एंड रीड यूजिंग अ लो पावर लेज़र बीम. ये लो पावर लेज़र बीम के द्वारा रीड और राइट की जा सकती है. CD एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, जबकि जो फ्लॉपीज एंड हार्ड डिस्क थी वो मैग्नेटिक मीडिया थी. CD-ROM एक ऑप्टिक मीडिया है, और ये 640 MB तक डेटा होल्ड करके रख सकती है, और ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती है. वर्किंग ऑफ CD. CD एक सिंपल पीस होती है प्लास्टिक का, 12 सेंटीमीटर के डायमीटर में और 1/100 inch थिक होती, 1.2 mm थिक होती है. ये म्यूज़िक और अदर फाइल्स को भी डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रख सकती है. जो CD है उसे CD प्लेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर में. टाइप्स ऑफ CD. CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी. इसमें जो डेटा कंटेन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही राइट, मतलब यानी कि सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उसे डेटा को स्टोर किया जा सकता है, बस उसके अलावा आप उसे इरेज नहीं कर सकते हैं. CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. ये इसमें जो यूज़र होता है, जो इसे यूज़ किया कर रहा है, वो एक ही बार उसको डेटा को राइट कर सकता है, उसके बाद वो ना चेंज कर सकता है ना इरेज कर सकता है. CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. इसमें हम डेटा को अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हैं, और जितनी भी बार हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें उसे रीड राइट और मॉडिफाई कर सकते हैं. DVD डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क. DVD आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है कंप्यूटर में एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. इसकी कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 4.7 GB तक डेटा स्टोर करके रख सकता है. DVD के भी दो टाइप्स हैं, CD रीड्स ओनली मेमोरी, DVD-ROM रीड्स ऑल CD फॉर्मेट्स, इस ऑल्सो रीड्स एंड राइट DVD डिस्क. और दूसरा है DVD-RW, यानी कि इसमें CD-ROM एंड DVD-ROM राइट CDR, CDW एंड DVD. यानी कि DVD-RW CD-ROM को रीड करती है, और जो DVD-ROM है वो राइट करती है CDR, CDW एंड DVD को. USB फ्लैश ड्राइव एक स्मॉल पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है,
जो कि जिसे कि यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव में ही पेन ड्राइव आती है। ये इतनी पोर्टेबल होती है और इतनी छोटी होती है कि आप इसे पॉकेट में इजीली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। सिर्फ आपको यूएसबी ड्राइव के थ्रू इसे कंप्यूटर में प्लग इन करना होगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।